आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड डिफरेंट रिजल्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की, कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इफ़ ए एंड बी द टू वैक्टर्स then the scalar product or dot product of these two vectors is defined as a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos of theta। यहाँ पे theta क्या है, where theta is the angle between vectors a and b। तो आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं, दो आर्बिट्रेरी या जनरल वैक्टर्स यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। एक वेक्टर का नाम वेक्टर स्मॉल ए है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट ए तक जा रहा है। दूसरे वेक्टर का नाम जो है वो स्मॉल बी है और वो ओरिजिन स्टार्ट होके पॉइंट बी तक जा रहा है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आपके पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या है, थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट की नोटेशन है जिनमें वेक्टर्स ए और बी के दरमियान डॉट का सिंबल ये वाला आएगा। और इसका आंसर किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर ए की, फिर फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल आ रहा है उस एंगल का कॉज लेके उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉज ऑफ थीटा, ये आपको ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है डॉट प्रोडक्ट की वो ये है कि अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हों, लेट्स से आपके पास वेक्टर्स है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और दूसरा वेक्टर बी है आपके पास बी वन आई प्लस बी टू जे एंड बी थ्री के, देन ए डॉट बी, ये जो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है इनको आप वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स के यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है उस एंगल को और वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया है। तो पहली करेक्टरिस्टिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमें एंगल्स दो वेक्टर्स के दरमियान ना पता हो तो हम वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए भी दो वेक्टर्स के दरमियान उनका दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो पहला वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट जो कि ए वन है उसको दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट जो कि बी वन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस का सिंबल आएगा, फिर पहले वेक्टर के दूसरा कंपोनेंट ए टू को दूसरे वेक्टर के दूसरा कंपोनेंट बी टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल आएगा, उसी तरह पहले वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाला वाला आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्या किया है, दोनों वेक्टर्स के कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। तो कोरेस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड कर देंगे तो इस केस में या आपको जो है वो इस तरह की जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको जो है वो दो प्रोडक्ट दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है डॉट प्रोडक्ट की, इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या आ रहा हो, 90 डिग्री का आ रहा हो, तो इस केस में दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर मींस उनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, देन ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा, वो जीरो की इक्वल होगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा या दो वेक्टर्स दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस केस में हमेशा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो की इक्वल होगा। कैसे होगा, या लोग जो डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है जो फाइंड आउट करने का भी है डॉट प्रोडक्ट उसको यूज़ करते हुए चेक कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो वेक्टर्स यहाँ पे जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि वेक्टर आपके पास ए वाला ए, दूसरा वेक्टर आपके पास जो है बी है, ए और बी कोई से भी दो वेक्टर्स हों अगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है तो उनका उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो ए और बी वेक्टर्स यही कंसीडर कर लेते हैं जनरल। उसके बाद इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर फाइंड करते हैं, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा।
तो वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जनरल कंसिडर किया है तो उसके मैग्नीट्यूड का आंसर जो भी है वो हमें नहीं पता, इसलिए उसको फिलहाल यहाँ पे एज इट इज लिख रहने देंगे। इसी तरह जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड भी लिख देंगे और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है वो वाला एंगल है जो दो वेक्टर्स के दरमियान ए और बी के दरमियान आ रहा है। तो सेकंड केस में लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, तो कॉस ऑफ 90 यहाँ पे आएगा अगर दो वैक्टर्स के दरमियान जो एंगल 90 डिग्री है, वैक्टर्स है जो मर्जी हों, कॉस ऑफ 90 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट मजीद आंसर इवेल्यूट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें नहीं पता, उसको एज इट इज लिख रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी एज इट इज आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ऑफ 90, और हमें पता है कॉस ऑफ 90 किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो भी आपके पास एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी आपके पास कोई एक नंबर है, और जीरो का आपको तो पता ही है। तो ये तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनमें एक नंबर के आपके पास जीरो आ रहा है, तो ओवरऑल इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ में क्या कह सकते हैं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ए और बी का उसका आंसर जीरो आ गया। कब आ गया, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम लोगों ने 90 डिग्री कंसिडर किया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जो है जनरल प्रूफ हो जाएगा कि जब भी कोई दो वेक्टर्स हों, वेक्टर्स है जो मर्जी हों, वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या उनके दरमियान एंगल जो है 90 डिग्री आ रहा है, तो उस केस में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता है, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इस केस में जो है वो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है क्या होता है, वो जीरो डिग्री होता है, ठीक है। आप वेक्टर्स को जिस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, पैरेलल वेक्टर को, एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो जीरो ही आ रहा है। तो पैरेलल वेक्टर चाहे दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हों इस तरह, चाहे वो इस तरह हो, क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल ही हैं, ये दो वेक्टर्स भी पैरेलल हैं और ये दो वेक्टर्स भी पैरेलल ही हैं, तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा क्या होता है, जीरो डिग्री होता है। तो अगर दो वेक्टर्स के हैं पैरेलल हैं, मीन्स उनके दरमियान जो एंगल थीटा आ रहा है वो जीरो है, उस केस में जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे नोटेशन जो है वो उनको ध्यान से जो है वो आप लोगों ने नोट रखना है, आई जे और के जो कि यूनिट वेक्टर है उनके ऊपर कैप्स का सिंबल आएगा, अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो आप लोगों ने लाजमी लगाना है। और उसी तरह अगर आप जो है ये वाले नोटेशन यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वाला नोटेशन का मतलब है कि ये वेक्टर ए है, और इसी तरह इस नोटेशन का मतलब भी क्या है, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये वाला नोटेशन आपके पास ए वेक्टर है, अगर इसके साइड पर लाइन लगा देंगे तो ये वेक्टर नहीं रहेगा बल्कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बन जाएगी। इसको जो है हम इस नोटेशन से भी जो है यूज़ कर सकते हैं, अगर ऊपर कोई सिंबल नहीं लगाया हुआ वेक्टर का, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो है वेक्टर की, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, मीन्स उनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो डिग्री आ रहा है, उस केस में उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा जो है वो ये आएगा, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको भी जो है आप वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फाउंड कर सकते हैं। वेक्टर्स यहाँ पे जनरल कंसिडर किए हुए हैं ए और बी, और एंगल उनके दरमियान अगर जीरो डिग्री आ जाए, तो उस केस में आंसर जो है डॉट प्रोडक्ट का किया जाएगा, वो हम लोगों ने यहाँ से फाउंड करना है। तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि वेक्टर जनरल कंसिडर किया है इसलिए वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी जनरल कंसिडर किया है, वो भी एज इट इज आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि हम लोगों ने दो वेक्टर्स के दरमियान जो है जीरो डिग्री एंगल जो है कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर क्या आएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जिसको हम जो है इस नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो में पता है वो वन की इक्वल होता है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि एक्चुअली आपको दो वेक्टर्स ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। तब मिलेगा, कब मिलेगा, जब वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल क्या होगा वो जीरो डिग्री होगा। तो यहाँ से भी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या उनके दरमियान एंगल जीरो डिग्री आ रहा है, तो उस केस में वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फोर, फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मीन्स उनके दरमियान एंगल क्या हो 180 डिग्री का हो, ठीक है। एंटी पैरेलल क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स तो वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, ठीक है। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जैसा कि ये वाले दो वेक्टर्स हैं आप देख सकते हैं, ये वाले दो वेक्टर्स क्या हैं एंटी पैरेलल हैं, और ये वाले दो वेक्टर्स क्या हैं पैरेलल वेक्टर्स हैं।
पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एंगल 180 का होता है। अब इनको जो है इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ये आपके पास जो है पहला वेक्टर है और ये जो है आपके पास दूसरा वेक्टर है जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों के दरमियान एंगल जो है देख सकते हैं 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके दरमियान एंगल 180 डिग्री आ रहा हो या जिनके डायरेक्शन जो है डायरेक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हो, उन दो वेक्टर्स को जो है एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास ऐसी सिचुएशन में कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री आ रहा है, या दो वेक्टर्स क्या हैं एंटी पैरेलल हैं, उस केस में उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, माइनस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस आंसर को भी जो है आप इस जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है इसको यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए और बी यहाँ पे जनरल वेक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साथ में ये मल्टीप्लाई होगा काज ऑफ 180। काज ऑफ 180 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम जो कि डिस्कस कर रहे हैं उसमें वेक्टर्स के दरमियान एंगल हम लोगों ने 180 जो है वो कंसिडर किया हुआ है, या जो दो वेक्टर्स हैं वो हम लोगों ने एंटी पैरेलल कंसिडर किए हुए हैं। तो सिंपलीफाई करते हैं, आंसर आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जिसको हम सिंपली ए लिख सकते हैं इस नोटेशन के साथ लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जिसको हम इस नोटेशन के साथ भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, काज ऑफ 180। और काज ऑफ 180 का आंसर हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो इन द एंड आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये वाला आपके पास किसका आंसर आंसर आएगा, वेक्टर्स ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा। और इन वेक्टर्स में क्या कंडीशन है, इन वेक्टर्स के ऊपर ये कंडीशन है कि इनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो ये अब बन जाएगी आपकी जो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी ये है, डॉट प्रोडक्ट इज कमोडिटिव। कमोडिटी लॉ का तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऑपरेशन अंडर कंसिडरेशन हो, फॉर एग्जांपल आप जनरल अगर ऑपरेशन या स्टैटिक कंसिडर करते हैं, तो जब भी दो क्वांटिटीज को आप इस तरह कंबाइन करेंगे, पहले एक क्वांटिटी ए लेट्स से एक क्वांटिटी ए, फिर उसके बाद दूसरी क्वांटिटी आए क्वांटिटी बी, आप उनको जो है इस ऑपरेशन के साथ जो ज्वाइन कर लें, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर अगर आपके पास जो है वो इसकी इक्वल आता है कि पहले जो क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी थी उसको पहले नंबर पे लिख लें, मीन्स बी को पहले नंबर पे लिख लें, और स्टैरिक जो पहले नंबर वाली क्वांटिटी थी उसको जो है पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे लिख दें, या क्या कह लें कि ये जो क्वांटिटीज जिनके दरमियान स्टैरिक ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा था उन क्वांटिटीज का क्या करें, आप उनकी पोजिशन को जो है वो चेंज कर दें, पहले नंबर वाले को दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर पे कर दें, और उसके बाद उसी सेम रिलेशन से जो है इनका आंसर फाइंड आउट करें। तो अगर आपका आंसर फिर भी जो है वो इक्वली आता है, तो इस केस में हम कहते हैं कि कम्युटेटिव लॉ जो है होल्ड करता है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक के, अगर इन जनरल ये रिजल्ट होल्ड करता है किसी दो क्वांटिटीज के केस में, तो फिर कहते हैं कि उन क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो अंडर दिस रिलेशन जो है वो अंडर दिस ऑपरेशन जो है वो कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युटेटिव लॉ की जो है वो डॉट प्रोडक्ट के केस जो वाला जो रिलेशन है उसके केस में बात हो रही है। वैसे आप लोगों को पता है कि जो नंबर्स होते हैं उनके केस में भी आप लोगों ने जो है वो कम्युनिटी लॉ पढ़ा हुआ है कि जब भी दो नंबर्स को अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम जो है वो कंबाइन करते हैं, मींस अगर आप जो है फॉर एग्जांपल 2x3 का अगर आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर जो है वो 6 आएगा, इसी तरह अगर आप जो है वो 3x2 का आंसर निकालते हैं उस केस में भी आपका आंसर जो है वो 6 आएगा। दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों ने क्या किया है उनकी पोजिशन को जो है वो चेंज किया है। तो रियल नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि हम जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज करके भी अगर मल्टीप्लाई करें तभी आपका आंसर जो है वो सेम ही आता है। इसी तरह रियल नंबर में अंडर एडिशन जो है तब अंडर एडिशन भी कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एलिमेंट ऐड करते हैं 5 में जो है वो एक एलिमेंट जो है आप 3 ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह अगर आप जो है 3 में 5 ऐड करते हैं तभी आंसर आपके पास क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो देख सकते हैं आंसर दोनों केसेस में आपका सेम आ रहा है। तो अंडर एडिशन भी कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में, लेकिन अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस माइनस के केस में जो है वो कम्युटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता नंबर के केस में। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो उस केस में आपके पास आंसर जो है 3 आएगा, लेकिन अगर आप 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो उस केस में आपका आंसर जो है वो -3 आएगा। तो अब दोनों केसेज में आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस या माइनस वाले ऑपरेशन के केस में रियल नंबर के केस में जो है वो कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता।
तो जिस केस में क्वांटिटीज की साइड्स यानी कि पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद जो है आपका आंसर अगेन जो है सेम ही है, उस केस में हम क्या कहते हैं कि उन क्वांटिटीज के दरमियान जो है कमोडिटी रिलेशन है, और जिस ऑपरेशन को यूज़ करते हुए आपने वो क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन किया हुआ है, उस ऑपरेशन के लिहाज से जो है वो उन क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो कमोडिटी लॉ जो है होल्ड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के केस में अगर ये जो जो डॉट प्रोडक्ट की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसके केस में आप नोट करेंगे कि जो कमोडिटी लॉ है अंडर द ऑपरेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वैक्टर्स वो क्या करता है, वो हमेशा होल्ड करता है। मीन जब भी आप आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी का, तो आपके पास जो आंसर आएगा आपके पास आंसर जो है वो अगेन वही आएगा जो आंसर जो है वेक्टर्स बी और ए का के डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। या दूसरे लफ्ज में कहें तो ए डॉट बी हमेशा आपके पास किसके इक्वल होगा, वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। इसको भी जो है आप इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए प्रूव कर सकते हैं। ए डॉट बी का आंसर आपके पास आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है और बी के दरमियान। इस तरह अगर आप जो है बी डॉट ए इसका आंसर फाइंड करेंगे डेफिनेशन को, इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा वैक्टर्स बी डॉट वैक्टर ए, इसका आंसर आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर मीन्स वैक्टर बी, फिर उसके बाद साथ में मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वैक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, और साथ में मल्टीप्लाई होगा कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है दो एंगल वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, तो अगर ए और बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा है तो बी और ए के दरमियान ए जो वेक्टर्स है उनके दरमियान भी एंगल क्या होगा थीटा ही होगा। तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए दोनों क्या है आपके पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, और रियल नंबर में पता है हमें क्योंकि कमोडिटी लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो यहाँ पे जो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी साइड को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में क्या आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब नोट करेंगे आपके पास ये जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ये आंसर वही आ रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये किसका आंसर है ये ए डॉट बी का आंसर है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं नेक्स्ट ए डॉट वैक्टर बी, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा या प्रूफ हो जाएगा कि बी डॉट ए का आंसर जो है किसके इक्वल आ रहा है वो ए डॉट बी के इक्वल आ रहा है, या ए डॉट बी का आंसर जो है वो बी डॉट ए के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से जो वेक्टर्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की वो भी प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स में ये कह रहे हैं अगर आप दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और दोनों वैक्टर सेम ही हों, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वैक्टर ए का वैक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इन दी एंड आपके पास जो है वो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। इसको भी आप जो है बाय डेफिनेशन प्रूव कर सकते हैं ए डॉट बी किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है ये दोनों वेक्टर्स जो ए और बी जिनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है उनके दरमियान एंगल होता है। अगर हम दोनों वैक्टर्स जो है यहाँ पे पहला वैक्टर जो है ए ले लें और दूसरा वैक्टर भी हम वैक्टर ए ही ले लें, मीन दूसरा वैक्टर भी सेम ही वैक्टर ले लें, तो इसका क्या मतलब क्या होगा इनके दरमियान एंगल क्या होगा, इनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो होगा, ठीक है। जब भी वो दो वेक्टर्स ड्रा करते हैं एक वेक्टर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर अगर आप जो है यही ए ड्रा करेंगे तो उसकी डायरेक्शन और लेंथ जो है वो भी क्या होगी इसी वेक्टर जैसी ही होगी, सेम यही वेक्टर जो आप दोबारा फिर से ड्रा करेंगे अगर, तो दोनों वेक्टर्स जो कि सेम ही है उस केस में दोनों वेक्टर्स जो कि एक्चुअली क्या बन जाएंगे आपके पास पैरेलल वेक्टर्स बन जाएंगे। इस केस में दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा वो जीरो डिग्री होगा। तो वेक्टर ए का जब वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में आपके पास आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और सेकंड वेक्टर क्या है वो भी आपके पास ए ही है, तो सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड मींस आपके पास अगेन यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साथ में आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे जीरो डिग्री है तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉज ऑफ जीरो। और हमें पता है कि कॉज ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है वो वन के इक्वल होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर और कॉज ऑफ जीरो क्या बन जाएगा आपके पास आंसर यहाँ पे उसका वन। तो इन दी एंड फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसका स्केयर, ठीक है। तो इन जनरल जब भी किसी एक वेक्टर का खुद के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर जो है आपके पास उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेवन। प्रॉपर्टी नंबर सेवन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो गिवन दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ओवर जो डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरह कर सकते हैं, अगर आप ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ
बी प्लस सी के साथ या बी माइनस सी के साथ, तो उस केस में आपके पास आंसर क्या आएगा? उस केस में आपके पास आंसर जो है वो इसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, ए का जो ब्रैकेट के अंदर पहला वेक्टर है बी, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, और उसके बाद प्लस या माइनस जो भी नोटेशन इन्वॉल्व हो रही है आपकी एक वक्त में, प्लस या माइनस लगाने के बाद इसी बाहर वाले ए वैक्टर का जो है सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। के डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो बाहर वाला जो वेक्टर ए है उसका पहले ब्रैकेट के अंदर जो पहला वेक्टर है बी, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। फिर उसके बाद उसी बाहर वाले वेक्टर ए का जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। और दरमियान में अगर आपके पास यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर लिया हुआ है, आप राइट हैंड साइड पर भी जो है वो किसी एक वेक्टर का दो वेक्टर्स के सम या डिफरेंस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिखा हुआ है ए प्लस माइनस बी डॉट सी, तो इसका आंसर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या आएगा, ये जो ब्रैकेट में पहला वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सी के साथ, आंसर आएगा आपके पास ए डॉट सी। और दरमियान प्लस या माइनस जो भी नोटेशन है एक वक्त में यूज हो रही है, उसके बाद प्लस माइनस के बाद जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा सी के साथ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा बी डॉट सी। ओवरऑल आपके पास आंसर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आ जाएगा ए डॉट सी प्लस माइनस बी डॉट सी। तो जो पहला लॉ है इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं। और जो दूसरा रिजल्ट है इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वेक्टर का सम या डिफरेंस के साथ वो हम राइट हैंड साइड से ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों लॉज हैं, और ये इक्वालिटीज़ जो हैं वो दोनों लॉज के केस में आपकी होल्ड करती हैं। आप चाहे तो इनका भी प्रूफ जो है वो डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको यूज़ करके जो है प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे जो पहला लॉ है सम के साथ ए डॉट इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस लॉ का प्रूफ जो है मैं यहाँ पे आपको वेक्टर की डेफिनेशन यूज़ करके करवा देता हूँ। इसी वे को, इसी मेथड को जिसको फॉलो करते मैंने ये पहला लॉ प्रूव करना है, इसी को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो बाकी डिफरेंस वाला एक लॉ है वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। और उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूट लॉ में दो आपको इक्वालिटीज़ दी गई हैं, एक सम के साथ है दूसरी माइनस के साथ है, इसको भी जो है आप डिस्ट्रीब्यूटिव इसको भी आप जो है डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए फिर प्रूफ कर सकते हैं। पहला लॉ मैं यहाँ आपको सॉल्व करके जो है प्रूव करके बताता हूँ। पहला लॉ है कि हमने प्रूव करना है कि जब हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर बी प्लस सी के साथ, याद रखें पहला लॉ में जो है वो दो इक्वालिटीज़ हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, तो मैं प्लस वाली इक्वालिटी जो है प्रूव करूँगा। तो मैं ये प्रूव करूँगा कि ए डॉट इंटू ब्रैकेट में क्या आपके पास आ रहा है बी प्लस सी, ये किसकी इक्वल आएगा, इक्वल टू आपका आंसर आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये वाला लॉ जो है मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताता हूँ। डेफिनेशन को फॉलो करते हुए प्रूफ कैसे करेंगे, एक साइड को कंसिडर कर लेंगे और उसको सिंपलीफाई करने के बाद प्रूफ करेंगे कि उसका आंसर जो है वो दूसरी साइड की इक्वल आता है, या फिर हम क्या करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इवेल्यूट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे, और राइट हैंड साइड जो है वो उसका आंसर इवेल्यूट करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर टू का आंसर दे देंगे, और चेक करेंगे कि दोनों साइड का आंसर जो है हमारे पास इक्वल आता है नहीं आता। तो दो तरीकों से आप जो है इक्वालिटी को प्रूव कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप जो है उस वे को फॉलो करते हुए इस इक्वालिटी को प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कीमत दिया गया है कि ए डॉट ब्रैकेट में आपके पास आएगा बी प्लस सी, इसको हमने सिंपलीफाई करके देखना है इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। और यहाँ पे क्योंकि वेक्टर्स जो है जनरल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वेक्टर्स वही जो है हम यूज़ करेंगे जो कि बाकी पहली प्रॉपर्टीज में यूज़ हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जो वेक्टर ए है आपके पास इन जनरल, वो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। वैक्टर ए आपके पास आएगा ए वन आई, आई यूनिट वैक्टर तो उसके ऊपर कैप का सिम्बल आएगा, प्लस ए टू जे, ये भी यूनिट वेक्टर है, प्लस ए थ्री के। तो ये आपके पास जनरल कोई वेक्टर ए बन गया है। इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो दो वेक्टर्स बी और सी आपस में ऐड हो रहे हैं उसके साथ, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे जो है वो
ये दो वेक्टर्स बी और सी हैं, इनको भी यहाँ पे जनरल लिखेंगे तो वेक्टर बी हम कंसिडर करते हैं जनरल। यहाँ पे क्या आपके पास बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ये आपके पास वेक्टर बी हम लोगों ने जनरल कंसिडर कर लिया है, और प्लस इसको ऐड करना है किसके किसमें ऐड करना है दूसरे वेक्टर सी में। तो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं इसको जो है वो ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं वेक्टर बी को, ताकि हमें समझने में और समझाने में आसानी हो। उसके बाद वेक्टर सी आपके पास क्या होगा इन जनरल, वो होगा सी वन आई प्लस सी टू जे और प्लस सी थ्री के। तो ये आपके पास जो एक जनरल वेक्टर जो है वो सी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी को जो है वो सिंपलीफाई करना है। याद रखना अब हम लोगों ने ये नहीं करना कि इस वेक्टर का जो है इस वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लें और इस वेक्टर ए का जो है वेक्टर सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करते हुए नहीं करना, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव करना है कि हम इस तरह जो है सेपरेटली जो है वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख के दो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख के उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है, इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रूव करते हुए जो यूजुअल जो ऑपरेशन होते हैं एडिशन के या डॉट प्रोडक्ट के जो है वो उनको हम यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने के बाद हम इन दी एंड प्रूव करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे लिखी हुई है उसका आंसर जो है वो फाइनली आप जो है वो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, मीन डॉट प्रोडक्ट को हम जो है वो सेपरेट या डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फिर कैलकुलेशन क्या होगी, वो ये होगी कि जो वेक्टर्स हैं बी और सी क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इनको जो है वो नेक्स्ट टाइम में ऐड करेंगे। तो ऐड करने वाला स्टेप जो है मैं यहाँ पे ही करूँगा ताकि थोड़ी स्पेस जो है मेरी यहाँ पे कम हो सके। तो वेक्टर्स बी और सी को ऐड करना है, तो वेक्टर्स को ऐड करना आपको आता है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो जब वेक्टर बी और सी आपस में ऐड होंगे तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, वेक्टर बी का पहला कंपोनेंट बी वन है और वेक्टर सी का पहला कंपोनेंट जो है सी वन है, दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा बी वन प्लस सी वन और साथ में आ जाएगा आई। ये वेक्टर बी के और सी के हमने जो है वो पहले कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया, उसके बाद प्लस इसी तरह वेक्टर बी का सेकंड कंपोनेंट बी टू और वेक्टर सी का सेकंड कंपोनेंट सी टू इनको ऐड करेंगे, साथ में आ जाएगा यहाँ पे जे हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी थ्री वैक्टर बी का थर्ड कंपोनेंट प्लस सी थ्री वैक्टर सी का थर्ड कंपोनेंट, साथ में आ जाएगा के। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा बी प्लस सी का। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वेक्टर आपके पास जो है वो ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास जो है बी प्लस सी है, जिसका आंसर हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट कर लिया सम का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का हम फाइंड आउट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम जो है मैग्नीट्यूड और एंगल को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हम जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो उनको भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को क्या करते हैं हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करते हैं, तो हमें दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है कंपोनेंट्स की फॉर्म में मिल जाता है। ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं इसकी डेफिनेशन भी जो मैंने आपको आज के लेक्चर के स्टार्ट में बताई है। तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो पहले वेक्टर का जो कि वेक्टर ए है उसका पहला कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे उसका पहला कंपोनेंट यहाँ पे ए वन है, तो ए वन को दूसरा वेक्टर जिसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है उसके पहले कंपोनेंट यानी कि बी वन प्लस सी वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ के, यहाँ पे आंसर आपके पास आएगा ए वन जब बी वन प्लस सी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास आएगा ए वन इंटू बी वन और प्लस ए वन इंटू सी वन, और यहाँ पे आई जे के नहीं आएंगे जब आप डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है और उनके उनका आंसर जो भी आएगा उनको ऐड करते जाना है। तो ये हमने क्या किया है, फिलहाल यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट था पहले वेक्टर का उसको दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है ए टू इसको दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट यानी कि बी टू प्लस सी टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ए टू इंटू बी टू, ए टू जब बी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा इसी तरह प्लस ए टू इंटू सी टू, ए टू जब जो है वो सी टू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट की बारी है, पहले वेक्टर का थर्ड कंपोनेंट ए थ्री है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए थ्री, ए थ्री को मल्टीप्लाई करना है बी थ्री प्लस सी थ्री के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ए थ्री इंटू बी थ्री और प्लस ए थ्री
इंटू सी थ्री। तो ये इंडियन डाक के पास जो इक्वेशन लिखी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। इसको जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन जिसको हम लोगों ने प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड का आंसर जो है वैलिड करेंगे। तो इसकी राइट हैंड साइड का आंसर जो है यहाँ पे वैलिड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या, ए का डॉट पार लेना है बी के साथ और प्लस ए का डॉट पार लेना है सी के साथ। तो यहाँ पे हम वेक्टर लिखते हैं ए, वेक्टर ए आपके पास इन जनरल ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये आपके पास है वेक्टर ए। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हम लोगों ने वेक्टर बी के साथ, तो वेक्टर बी भी यहाँ पे जन लिखते हैं। वेक्टर बी है आपके पास बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। उसके बाद नेक्स्ट प्लस आएगा, प्लस के बाद ए का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमने क्या लेना है वेक्टर सी के साथ। तो वेक्टर ए जो है वो ये जो जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला वेक्टर ये एज इट इज जो है नीचे आ जाएगा, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर सी के साथ। वेक्टर सी के आपके पास जनरल सी वन आई प्लस सी टू जे और प्लस सी थ्री के। अब क्या करेंगे, जो दो डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके आंसर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा जो पहला डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में अप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री और बी थ्री, ये पहले दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ गया है। उसके बाद इस तरह जो है वो प्लस का सिंबल आएगा, और प्लस के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाले दो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है वेक्टर ए आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने वेक्टर सी के साथ लेना है। तो यहाँ पे आपके पास करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री और सी थ्री। तो ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को जो है वो ये जो आंसर आपके पास आ रहे हैं वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के, इनको आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने से जस्ट क्या होगा, ये जो दरमियान ब्रैकेट्स आ रही हैं जस्ट यही खत्म होगी, और ख़त्म होने के बाद आपके पास आंसर जो है वो यही आएगा जो कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में लिखा हुआ है। तो इसको ऐड करने के बाद आपके पास आपको जो इक्वेशन मिलेगी आपने क्या कर दिया है उसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देना है, और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को जो है वो आपस में कंपेयर करना है। तो आप नोट करेंगे जो आंसर आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन में आ रहा है वही आंसर आपके पास जो इक्वेशन नंबर टू में आएगा। कैसे आएगा आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर वन में देखें तो यहाँ पे आ रहा है ए वन और बी वन, तो इक्वेशन नंबर टू में देखें तो ऐड करने के बाद यहाँ पे ए वन और बी वन आ रहा है। उसके बाद ए टू और बी टू, ए थ्री और बी थ्री यहाँ पे आ रहा है आपके आंसर, यहाँ भी आपके पास ए टू और बी टू ए थ्री और बी थ्री ये भी आपके पास ऐड होने के बाद आंसर जो है वो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री, ये आ रहा है आपके पास आंसर इक्वेशन नंबर टू में। अगर यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर वन में तो प्लस ए वन सी वन प्लस ए टू सी टू और प्लस ए थ्री सी थ्री, ये भी आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन में सेम ही आंसर आ रहा है। तो जो आंसर आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वही आंसर आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड मीन इक्वेशन नंबर टू का आंसर आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को कंपेयर करने से आप इंडियन ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमने जो कंसिडर की थी यहाँ पे सॉल्यूशन में वो किसकी इक्वल आ रही है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये किसकी इक्वल होगा, ये इस राइट हैंड साइड के यानी कि इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा, और आपकी इक्वालिटी जो है यहाँ पे प्रूव हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सम के केस में। इसी तरह आप लोग जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंस के केस में भी जो है वो इसी टेक्निक और इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो उसको भी प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट केस में किया हुआ है पहली इक्वालिटी में, आप जो है राइट के केस में भी जो है वो सेम रिजल्ट सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो सेम मेथड को फॉलो करते हुए प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर एट। प्रॉपर्टी नंबर एट में क्या कह रहे हैं, अगर हम जो है वो किसी स्केलर को या लैम्डा को ए डॉट बी के साथ जो है जो कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा किसके इक्वल आएगा, आंसर हमारा
इसके इक्वल आएगा कि हम क्या करें, पहले उस स्केलर को वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका फिर डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर बी के साथ ले लें, तो ये दोनों केसेस में आपका आंसर जो है इक्वल आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी स्केलर को ए डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है किसके इक्वल आएगा कि उस स्केलर को पहले दूसरे वैक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करें फिर उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो वैक्टर ए के साथ लें, उसके केस में भी आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। तो ये जो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट के केस में, कि जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी स्केलर को लेट्स से कि स्केलर को टू को मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आपका आंसर जो है वो इस वजह से भी आ सकता है कि आप क्या करें पहले टू को जस्ट पहला वेक्टर जो ए है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो दूसरे वेक्टर बी के साथ ले लें, तो आपको आंसर जो है यहाँ पे इक्वली मिलेगा। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो टू है इसको हम क्या करें जो दूसरा वेक्टर है बी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नया वेक्टर मिलेगा इसका जो है आप क्या क्या ले लें डॉट प्रोडक्ट जो है पहले वेक्टर के साथ ले लें, तो इस केस में भी आपका आंसर जो है ये वाला जो आंसर है वो इसके इक्वली आएगा। ठीक है, ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन लिखे हैं तीनों का आंसर ही क्या होगा आपस में इक्वल आएगा। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के केस में आप जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको जो है वो आप डिफरेंट वेक्टर के साथ जो है वो अलग से भी मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा ए डॉट बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या किया हुआ है ए डॉट बी पहले फाइंड किया हुआ है फिर उसके साथ जो लैम्डा मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि लैम्डा को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया है फिर उसका डॉट प्रोडक्ट जो है बी के साथ लिया हुआ है, तब भी दोनों केसेस में आंसर आपके इक्वल आएंगे। इसी तरह लैम्डा को यहाँ पे क्या किया हुआ है दूसरे वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है पहले वेक्टर के साथ लिया हुआ है, इस केस में भी आपका आंसर जो है वो लैम्डा इंटू ए डॉट बी के इक्वल ही आएगा। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर हम जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।